डॉक्टर विमल कुमार जी। डॉक्टर विमल कुमार सर, आप यहाँ का पूर्ण परिचय दें, जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं किस जगह है, इसका लोकेशन? लंगड़ा चौक है जी, झंझारपुर आई हॉस्पिटल है जी सर। यह पहले एल एन जनता कॉलेज के जस्ट बगल में जी सर, जिसमें अभी भगवती नर्सिंग होम चल रही है उसी के ऊपर में चल रहा था जी सर। 2009 से यह संस्था यहाँ पे चल रही है जी सर। अभी 2 साल पहले यहाँ हम लोग आए हैं जी सर, और यहाँ पे आपके से संबंधित जो भी बीमारी होती है जी सर, मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो, आँख से संबंधित कोई बीमारी हो जी सर, उसका इलाज यहाँ पे होता है जी सर। हमारे यहाँ पूरा डिटेल में सर बता दें, केयर हेल्थ इंश्योरेंस जी सर है, जिसके थ्रू भी यहाँ पे ऑपरेशन होता है जी सर। अभी जिला अंधापन नियंत्रण समिति है जी सर, जो मधुबनी द्वारा चयनित है जी सर, उसके थ्रू भी मोतियाबिंद का ऑपरेशन यहाँ पे फ्री में भी होता जी है सर, जी सर। अभी आयुष्मान भारत से आपका हॉस्पिटल इंपैनलमेंट होने जा रहा है जी जी जी, आयुष्मान भारत के थ्रू भी आपका ऑपरेशन होगा, जो भी लाभुक होंगे उसको फ्री में यहाँ पे इलाज किया जाए जी सर, उसका ऑपरेशन होगा, सारा चीज होगा जी सर। आप केयर जी, कौन कौन सा चीज का ऑपरेशन, किस तरह आँख से संबंधित जो भी हो, मोतियाबिंद, काला मोतियाबिंद, नखना, आंसू की थैली, जो भी होता है जी सर, ट्रेजियम, डीसीटी जी, सारा चीज यहाँ। सर एक चीज थोड़ा सा आप क्लियर कर दीजिए कि मान लीजिए कहीं एक बार कोई लेंस लगवाया और लेंस का पावर बहुत घट गया है, फिर क्या उस पर लेंस चढ़ सकता है? फिर लेंस का पावर नहीं घटता है। अच्छा, फिर आंख उसके जितना पहले था में जो बहुत आदमी का कम्प्लेन है, कम होती है, उसका बहुत सारा फैक्टर होता है जी। आपके पर्दा में कोई दिक्कत हो, किसी को डायबिटीज होता है जी, तो उसका असर आँख पे होता है जी सर। किसी के पर्दे में किसी तरह की परेशानी हो जाती है, किसी के घुटने में किसी तरह की परेशानी हो जाती है, उसके कारण भी आँख की रोशनी घटती है। अभी रिसेंट में जब से कोरोना समय आया है उसके बाद लोग मोबाइल का बहुत ज़्यादा यूज करने लगे हैं जी सर, जिसके कारण उसके टीवी देख रहा है, तो उसके रे से भी आँख की रोशनी में कमी आ रही है जी। लेकिन उसका सुधार का कारण क्या, कैसे हो सकता? अब उसको जांच करने के बाद ही पता चलेगा कि किस कारण से रोशनी कम रही है जी सर। होता क्या है, कभी कभी कम मतलब दाम का लेंस जो होता है जी, हार्ड लेंस, जो रिजिड लेंस हम लोग लगाते हैं, तो उसमें पीसीओ बनने का डर रहता है जी सर। तो धीरे धीरे पीसीओ डेवलप कर जाता है, तो उसके कारण भी रोशनी घटती है लेंस लगाने से, तो लेंस आँख में दोबारा नहीं बदला जाता। अच्छा अच्छा, तो फिर उस पीसीओ के लिए भी मशीन है जी, जो लेजर द्वारा उस पीसीओ को काट दिया जाता है, तो फिर आँख की रोशनी आ जाएगी, आ जाएगी, बढ़ जाएगी। अच्छा सर, एक चीज बता दें, आप हमारे चैनल के माध्यम से, मान लीजिए प्रत्येक आदमी आपके हॉस्पिटल से जानकार नहीं है, तो इसीलिए मान लीजिए चैनल में देने से पूरा देश का लोग देखेगा, तो अगल बगल के जो लोग हैं उनको आप थोड़ा सा कुछ संदेश दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आँख के जो मरीज हैं वो आपके यहाँ करके आपसे दिखा रहे हैं। देखिए सर, क्या संदेश क्या देना है, हम लोग तो सिर्फ इलाज पे विश्वास करते हैं जी। जब से हम अपनी संस्था को खोले हैं तो सिर्फ एक बोर्ड लगा के चला रहे हैं जी, हम सिर्फ इलाज पे अपनी संस्था में अच्छा बेहतर व्यवस्था दे, सुविधा दे और बेहतर इलाज दे, इस पे विश्वास सर। अपना क्वालिफिकेशन भी थोड़ा सा बता दें, सब बतलाएंगे हाँ जी। तो बेहतर ट्रीटमेंट हो पेशेंट का जी सर, तो पेशेंट के थ्रू ही पेशेंट हमारा है जी सर, तो उस पे ज्यादा फेथ रहता है जी सर। तो अभी तक जो भी हमारी, हम वहाँ से यहाँ भी रिटर्न आए तो अभी तक कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं किए, फिर भी पेशेंट जानकारी लेकर के यहाँ पहुँच रहे हैं, तो हम इस पे विश्वास रखते हैं, एडवर्टाइज पे बहुत ज्यादा विश्वास नहीं रखते हैं। ट्रीटमेंट यदि अच्छा करेंगे, एक पेशेंट दूसरे पेशेंट को खुद ब खुद भेजेंगे जी, 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 जी। और पेशेंट को बेहतर सुविधा मिले उसके लिए अच्छे अच्छे डॉक्टर की व्यवस्था, तो हमारे यहाँ पैनल में बहुत सारे डॉक्टर और हैं जो कि यहाँ पे काम जी, उनका, जी, उनका नाम क्या है डॉक्टर साहब? डॉक्टर गोपाल हैं जी, डॉक्टर राजेश सिंह हैं जी सर, डॉक्टर इमामुल होदा जी हैं जी सर, जो समय देते हैं यहाँ पे जी, डॉक्टर रूपक झा हैं जी जी, जो यहाँ पे समय देते हैं, जो भी आपके यहाँ दुर्गा पूजा के बाद प्रॉपर समय देने के लिए डॉक्टर साकेत हैं जी सर, वो आ रहे हैं, जो यहाँ पे रेगुलर रहेंगे, इसको संचालित करेंगे, पेशेंट को देखेंगे, सारी देख रेख करेंगे। इसका डायरेक्टर कौन? डायरेक्टर मैं खुद हूँ। आप
सर फिर एक बार अपना परिचय दें सर पूरा। मैं इस झंझारपुर आई हॉस्पिटल का फाउंडर हूँ जी, और यहाँ पे हम एक चीज और बता दें। हाँ, बता दें। प्रत्येक बुधवार को जी जी पूरा सब अपने संस्था के तरफ से जी फ्री में जी सुबह के से लेके 12 बजे तक जी फ्री में जी मरीज का इलाज करते हैं जी। ऑपरेशन नहीं जी, ओपीडी देखना हो जी उसका फी नहीं लेते हैं जी। जो भी ट्रीटमेंट होता है उसका हम लोग निःशुल्क यहाँ पे जी ट्रीटमेंट करते हैं जी जी जी। तो ये एक इस बहुत बड़ा अचीवमेंट है सर। एक चीज मैं आपसे थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए कोई आप बोलबे किए हैं कि प्रधानमंत्री वाला जो है मान लीजिए अभी आयुष्मान कार्ड चला है गरीबी गुरबा के लिए है, लेकिन जब तक लागू होगा लेकिन जो मान लीजिए गरीब गुरबा है जी हाँ, तो वो अगर मान लीजिए आपके यहाँ ऑपरेशन करवाए तो उसके लिए थोड़ा सा क्या करते हैं? उसके लिए भी बैठे हैं जिस जो गरीब हमारी संस्था जितना तक संभव होता है उसकी मदद करता है। यदि इस तरह का कोई लाचार हो जी सर जो सफाई पे नहीं कर सकता हो और उसका इलाज के कारण आँख में जी सर खराब होने की स्थिति में जा रही है, तो उसके लिए हम लोग अपने अस्पताल के थ्रू उसका इलाज करते हैं। सर आपका घर कहाँ हुआ? मेरा घर सुपौल हुआ सर। सुपौल? सहरसा सुपौल? सहरसा सुपौल। सुपौल कौन गाँव सर? सुपौल में प्रॉपर वार्ड नंबर 15 में मेरा घर है जी। हम जाते हैं सुपौल जाते हैं प्रॉपर वार्ड नंबर 15 नगर परिषद में ही मेरा घर है जी 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 जी। हम सुपौल जाते हैं वहाँ बनगाँव में सी तैसी इधर उधर पूरा सहरसा में पड़ता है, वहाँ हर एक जगह उधर का इंटरव्यू लिए हुए हैं। वहाँ बाबा का भी कुटी है बहुत भयंकर बना है हाँ जी। हाँ वहाँ आर के मिश्रा साहब थे